तो हमारी स्थिति ऐसी ना बने, इसलिए भीतक में सर्व भूतकाल का तो वर्णन नहीं है। पूर्णाहुति से पहले आज की चर्चा में मैं अंतिम बात भीतक से मिलने वाले सिखापन में यही कहना चाहूंगा कि महान व्यक्ति वही होता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि भूतकाल में की गई गलती से अथवा भूतकाल में किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य से वर्तमान को सुधारे, वर्तमान को अच्छा बनाए जिससे कि उसका भविष्य सुधरे। भूतकाल से शिक्षा लेकर के अगर हमने वर्तमान को सही नहीं किया तो फिर भविष्य में हमें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो हमारी स्थिति ऐसी ना बने, इसलिए भीतक में सिर्फ भूतकाल का तो वर्णन नहीं है लेकिन अधिकांश पहले की लीलाओं का वर्णन है, चौथे दिन की, पांचवें दिन की लीला का वर्णन है, संक्षिप्त में ब्रज और रास की लीला का भी वर्णन है। तो भूतकाल की लीलाओं से शिक्षा लेकर के हम वर्तमान में वाणी को आत्मसात करके अपने जीवन शैली को ऐसा बनाएं कि भविष्य हमारा सुखद हो। भविष्य का मतलब ऐसा नहीं कि 20-25 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ भविष्य का मतलब है कि आने वाला कल सुधरे, हमारी आत्मिक स्थिति में आज की अपेक्षा कल में सुधार आए, इस साल की बीतक की अपेक्षा अगले साल की बीतक सुनते सुनते हमारी अवस्था कुछ ऐसी हो जाए कि हमें बीतक को परंपरागत रूप से सुनने की आवश्यकता ना पड़े, हमारा जीवन ही बीतकमय बन जाए, हमारा जीवन ही वाणीमय बन जाए। तो यह हमें बीतक से सिखापन मिलती है, पहला एक भविष्य की ये बात। और दूसरी बात, जब हम भविष्य में आगे परमधाम जाएंगे तो परमधाम जाने के बाद में वहाँ जब बातें होंगी ब्रह्म सृष्टियों में तो वहाँ पर भी हम, जैसे हम कहते हैं ना, इत भी धंधन उत भी धंधन, दो ठोर हुए धंधन, तो हम दोनों जगह पर यहाँ भी और परमधाम में भी धन्य धन्य हों, इसके लिए भी हमें वर्तमान में भूतकाल से शिक्षा लेकर के सुधारने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम वाणी को आत्मसात करें।